अस्सलाम वालेकुम YouTube, मैं हुआ से और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप CCTV कनेक्टर्स को RJ45 केबल के साथ कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CCTV कनेक्टर्स चाहिए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हें बैलन कनेक्टर्स कहते हैं। ये जो कनेक्टर है इसे BNC बैलन कनेक्टर कहते हैं। ये CCTV से सिग्नल ले कर आपके DVR तक पहुँचाता है और इसे पावर बैलन कनेक्टर कहते हैं। ये आपके CCTV कैमरा को पावर देता है। आपको एक 4 मूव वाला पेचकस चाहिए होगा, इसे फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। आपको कटर चाहिए होगा, टेप चाहिए होगी और एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए होगा और एक टूल चाहिए होगा जिससे आप तार छील सकें। वैसे तो कटर से भी हो सकता है लेकिन मेरे पास ये टूल मौजूद है। तो और ये रही आपकी RJ45 केबल। ये वो केबल है जो आपके DSL के राउटर से आपके कंप्यूटर तक जाती है जिससे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसको RJ45 केबल कहते हैं, CAT5E केबल भी कहते हैं और CAT6 केबल भी कहते हैं। बहरहाल सबसे पहले आपने तार के एक सिर को तकरीबन इतना छील लेना है, कटर से काट लेना है। मेरे पास ये टूल है, मैं इससे काट रहा हूँ। मैं इसके दूसरे सुराख में रखूँगा और 2 दफ़ा घुमाऊँगा और इसे छिल जाना चाहिए। देखें आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर 2, 4, 6 और 8 किस्म की तारें होंगी। एक प्लास्टिक की कवरिंग होगी और एक नाइलॉन का धागा होगा, मेरा ख्याल नहीं नाइलॉन गई होता है। बहरहाल आपने अपना कटर लेना है और इस प्लास्टिक बीच वाली प्लास्टिक कोटिंग को काट देना है। ध्यान रखना है कि आप किसी तार को ना काट दें और आपने इस नाइलॉन के धागे को भी काट देना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इनमें से 4 तारें, 2 से आप अपने CCTV कैमरा के सिग्नल को DVR तक पहुँचाएँगे और 2 से पावर देंगे। मतलब ये कि अगर ये 2 तारें आप इसको एक समझ दें, इसको भी एक, इसको भी एक और इसको भी एक, मतलब कि कुल मिला के 4 तारें हैं। मैं इस ऑरेंज और इस ब्राउन वाली तार से कैमरा पे पावर दे दूँगा और इस ग्रीन और इस ब्लू वाली वायर से उसको सिग्नल ले लूँगा। मैं दो दो तारें इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये तार इतनी मजबूत नहीं होती। जब ये दोनों आपस में साथ होंगी तो ये मजबूत होंगी और कनेक्टर के साथ अच्छे तरीके से जुड़ी रहेंगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको तार को यूँ खोलना है, एक साथ रख के इसको छीलना है। वैसे तो एक कटर से भी हो जाता है लेकिन ये है कि आपने ध्यान से छीलना है क्योंकि तार बहुत पतली होती है, कट सकती है आराम से कटर से। अब अगर कट पड़ गया है कवरिंग के ऊपर, अब आप अपने अंगूठे से छील सकते हैं। ये देखें, बाकी अंगूठे का काम है। अब आपने इन 2 तारों को भी छीलना है और जब आप इन 2 तारों को छील लें इनको वापस में आपस में जोड़ देगा इस तरह। मैं अब इन बाकी तारों को भी छील लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 तारों को छील दिया है। मैं ये रेड और ये ऑरेंज तार को पावर के इस्तेमाल करूँगा, रेड से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इस्तेमाल करूँगा, ब्राउन नेगेटिव। इस तरह सिग्नल के लिए मैं ग्रीन को पॉजिटिव रखूँगा और ब्लू को नेगेटिव। अब दूसरी तरफ भी यही करना है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों सिरों की तारों को छील दिया है। अब आप अपना डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे, आप इसे कंटिन्यूटी पर रखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये स्पीकर सा निशान बना हुआ है। अब हम इसे तार को चेक करेंगे, ये तार बीच में से कहीं से डैमेज तो नहीं है। इसका तरीका ये है कि मैं एक सिरे की मिसाल के तौर पर एक सिरे की नीली की तार के साथ टर्मिनल को रख लूँ और दूसरे सिरे की नीली तार टर्मिनल के साथ रखूँगा। अगर तो ये बोलती है इसका मतलब है कि तार ठीक है, अगर नहीं बोलती इसका मतलब है कि तार बीच में डैमेज है। अब सबज वाली के साथ चेक करते हैं, ठीक लाल वाली के साथ, देखिए कोई और कोई रंग की तार के साथ जुड़ नहीं रहा, ये भी ठीक है। और ब्राउन वाली, ब्राउन वाली के साथ नहीं बोला, दोबारा चेक, ठीक है। इसका मतलब है सारी तारें ठीक है, बिक तार बीच में से डैमेज नहीं है। आप कनेक्टर इसी तरह आते हैं। सबसे पहले हम अपना ये BNC कनेक्टर लगाते हैं जिससे कैमरा को सिग्नल मिलता है। अगर आप देख सकते हैं तो इसके इस साइड पे पॉजिटिव निशान है, दूसरी साइड पे नेगेटिव निशान है। तो इसको चलिए खोल लेते हैं, पहले लूज़ करते हैं। अब लूज़ करने के बाद हम ये करेंगे कि हमने ये कहा था कि हम सबस को
पॉजिटिव रखेंगे और नीले को नेगेटिव, तो सबस वाले को इसके पॉजिटिव टर्मिनल में सुराख वाले में डाल देने हैं और नीले को नेगेटिव वाले में। पहले सबस वाले को डाल के टाइट कर देने हैं। अब नीले वाले को भी डाल देने हैं। नीले वाला नेगेटिव वाले सुराख में चला गया। अच्छा, अब ये दो आ गए। अब दूसरी तरफ भी यही करना है कि सबज वाले को पॉजिटिव में और नीले वाले को नेगेटिव वाले सुराख में, इसमें मिक्स नहीं करना वरना फिर सिग्नल नहीं आएंगे, उल्टे ही होंगे, तो कैमरा जल भी सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, सबज वाले को पॉजिटिव में, अगर तार थोड़ी लंबी है तो उसको बेंड कर दूंगा। अब आप डालेंगे पहले सबस वाले को, और अब नीले वाले को जो कि नेगेटिव है। इसको भी कस देंगे। इसके बाद पावर की बारी आ गई। पावर कनेक्टर लेते हैं, इसको पहले खोलते हैं। अब इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, इसके ऊपर निशान बने हैं। अब पता नहीं आपको इसमें नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव निशान बना हुआ है। हम रेड को पॉजिटिव रख रहे हैं और ब्राउन को नेगेटिव। चलिए इसे भी लगा देते हैं। अब इसे कस देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को। हमारा पावर कनेक्टर भी लग गया और हमारा बीएनसी कनेक्टर भी लग गया है। ये दोनों कैमरे की तरफ जाएंगे, ये कैमरे को पावर देगा, इसे सिग्नल लेगा, और दूसरी तरफ ये डीवीआर के साथ जुड़ेगा। और इन दो तारों को आप अपने पावर सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, जिससे करंट कैमरे को जाएगा, उस तरफ ये कनेक्टर नहीं लगेगा। अब एंड में हम इन कनेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके मीटर वही कंटिन्यूटी पे है, उसी पे कंटिन्यूटी पे है। अब अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल को बाहर रखूँ और इस बीच वाले कनेक्शन के साथ जोड़ूँ, अगर तो ये बोलेगा मतलब हमारे कनेक्टर ठीक नहीं लगा, अगर नहीं बोलेगा तो उसका मतलब ठीक है, तार शॉर्ट नहीं होगी। आप देख सकते हैं कनेक्टर नहीं बोल। अब पावर के साथ भी एक बार सुराख के अंदर नहीं बोल रहा, ठीक। और दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं, बाहर और बीच वाले में नहीं बोल रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारे सारे कनेक्टर ठीक लगे हैं और इनमें से कोई भी तार शॉर्ट नहीं हो रही। दोस्तों, अगर आपके ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो जिसमें मैंने सीसीटीवी कैमरा कनेक्टर से केबल के साथ तार के साथ जोड़ा है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, उसका बॉक्स ऊपर भी आ रहा होगा।